वीडियो बन जाएगा, वीडियो बन जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हो? बढ़िया एकदम। और श्रवण भाई, आपके गंगानगर में घूम रहे हैं, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो गंगानगर में अभी काफी शौक लगा हुआ है घोड़ों का मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत ज्यादा जी। हैं, पहले तो इतना नहीं था? पहले नहीं था जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महावीर। महावीर, हाँ जी। और अपनी ये जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? पदमपुर डिस्ट्रिक्ट। पदमपुर? हाँ, नहीं, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, तहसील पदमपुर। ओके। विलेज है मेरा छोटा सा, 5 PB। ठीक है। पास में कौन सी सिटी आती है? गंगानगर आती है क्या? आता है गंगानगर ही आती है। गंगानगर ही आता है। हाँ जी। गंगानगर से कितना किलोमीटर होगा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। हाँ जी। अच्छा, और फार्म का क्या नाम है क्या कुछ? सारंग स्टड फार्म। सारंग स्टड फार्म। सहारन स्टड फार्म। अच्छा अच्छा। कितने है अभी आपके पास जानवर? अभी मौके के 3 जानवर है जी। 3 जानवर है। हाँ जी। 2-3 ही रखते हो आप? तो 3-4 ऐसे? बस 4-5 जानवर रखते। 4-5 रखते हो। हाँ, और अच्छी केयर करते हो मेरे ख्याल से। हाँ जी, केयर है। देखो, चाहे 2 रखो चाहे 10 रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी केयर अच्छी होनी चाहिए बस। हमारा कोई जी वो खरीद फरोख का तो काम है नहीं। अच्छा अच्छा, बस ब्रीडिंग पर्पज काम है। अच्छा, ब्रीडिंग का काम है मतलब? हाँ है जी। ओके, सेल परचेसिंग का नहीं? सेल परचेसिंग का कोई काम नहीं है। ओके ओके, ओनली ब्रीडिंग का काम है? ओनली ब्रीडिंग। अच्छा, तो आपने ब्रीडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? ब्रीडिंग करते हुए 7-8 साल हो गए मेरे को। 7-8 साल में कोई अच्छा बच्चा तैयार किया हो आपने या कोई घोड़ी तैयार की हो? एक बच्चा मैंने अभी पहले दे दिया था, फ्रीडम कार, राज दिलावर नाम से। राज दिलावर? हाँ जी। अच्छा, राज दिलावर। दूसरा बच्चा मैं ये अभी देवराज रणिया का तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, ये तैयार कर रहे हो आप? हाँ जी, देवराज रणिया का ना। एक छोटा बच्चा और सप्तास ग्रांड सायर है उसका। अच्छा अच्छा, सप्तास का है? सप्तास ग्रांड सायर है उसका। अच्छा अच्छा, ग्रांड सायर का बच्चा है मेरे दोस्त के पास, रूप नाम से घोड़ा है। सप्तास का पोता है मतलब? हाँ, सप्तास का पोता है जी। राज दिलावर वही है ना जो वो लाली के आपके? हाँ जी हाँ जी, लाली के पास है ना। अच्छा घोड़ा है वो तो? हाँ, अच्छा घोड़ा। अच्छा, वो आपने तैयार करके यहीं से दिया? हाँ, मैंने तैयार किया। ब्रीड वो यहीं हुआ था क्या? हाँ, ब्रीड मेरे घर पे ही हुआ था। अच्छा। उसकी माँ भी मेरे पास है। अच्छा, उसकी माँ भी आपके पास? हाँ, इसका भाई था मदर साइड से वो इसका। हाँ जी, मतलब इसकी और दिलावर की मदर सेम ही है। हाँ, सेम। अच्छा, तो ये आपकी होम ब्रीड हो गया? हाँ, होम ब्रीड जी। ये वो घोड़ा भी, क्या नाम है इसका घोड़े का? शंभूराज। क्या बताया? शंभूराज। शंभूराज, हाँ ठीक है। इसका महाशिवरात्रि को जन्म हुआ इसलिए इसका नाम शंभूराज रख दिया। अच्छा, महाशिवरात्रि को जन्म हुआ इसका? हाँ जी। चलो, बढ़िया नाम है। शंकर भगवान के जन्मदिन के दिन हुआ ये। हाँ जी। कितने एज का हो गया ये? ये 3.5 साल का हो गया जी। 3.5 साल, 2 दांत ही होगा अभी? 4 दांत हो रहा है 3.5 साल में। हाँ, निकालने लग गया मतलब? हाँ, 4 दांत होने लग गया। ठीक है, ऊपर निचले निकाल रहा है, ऊपर निकालिए। ओके ओके ओके। क्या हाइट है? हाइट तो अच्छी लग रही है इसकी। हाँ, 65+। 65+ है? हाँ, अच्छी हाइट है मतलब। राइडिंग वाइडिंग भी करते हो क्या आप इस पर? हाँ, अभी बच्चे चढ़ते हैं। अच्छा, चढ़ने लगे? हाँ, चढ़ने लगे। अच्छा, क्योंकि बहुत से तो घोड़े बस बांध के रखते हैं। नहीं, सील है घोड़ा। अरे, ब्रीडिंग वाले जो ब्रीडिंग कराते हैं वो तो बांध के रखते हैं यार। हाँ, वो तो मुझे लगता है राइडिंग करवाते होंगे। रहता तो वह थोड़ा इसको घुमा देते हैं, बच्चे चढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा डेली वो घुमा लेता है। डेली घुमाते हो क्या इसको? हाँ, डेली, रोज। बस कई बार को टाइम नहीं है तो नहीं घुमाते हैं। टाइम दिया करो इनको तो, ये घुमाने के ही है रोज, ये डेली घूमना चाहिए। घोड़ों का जीवन देखो, डेली घूमना ही होता है। हाँ, डेली घूमना। अच्छा, ये किसका है ये घोड़ा? देवराज रणिया। देवराज रणिया का? हाँ जी। अच्छा, तो इससे कर दिया आपने ब्रीडिंग स्टार्ट? हाँ, इससे अभी 6 घोड़ियाँ मेट करवाई है। 6 घोड़ियाँ? हाँ जी। रिजल्ट तो आया नहीं होगा अभी? हाँ, रिजल्ट नहीं। कब शुरू की थी इसकी ब्रीडिंग? ब्रीडिंग होगी इसको, पहली घोड़ी होगी इसकी 9 महीने की प्रेगनेंट। 9 महीने की? हाँ जी। मतलब मैं कहूँगा 2.5 साल का था तभी करीब? हाँ, 2.5 साल का तभी इसको स्टार्ट कर दिया था। ये कर सकते हैं अगर बॉडी स्ट्रक्चर से इससे अच्छा बन जाए ना घोड़ा? बस पहले कोई दोस्त की घोड़ियाँ थी एक दो। अच्छा, वो कहते चलो चलो अच्छी बात है, चलो छोड़ देंगे। अच्छा, अभी स्टड सर्विस के लिए भी ओपन है क्या? हाँ, ओपन है जी। क्या फीस रख रखी है इसकी? 21,000 रुपये जी। 21,000 रुपये। आ रही है घोड़ियाँ आपके आसपास के एरिया से? हाँ, अभी तो आ रही है। अच्छा, अब तो 2-3 महीने से बंद थी। ओके ओके ओके, तो आगे क्या है इसका विचार? आप ऑस्ट्रेलियन बनाओगे इसको?
हाँ जी स्टेलियन ही बना रहे हैं अभी तो। घर में रखोगे या सेल भी करोगे इसको? कोई होगा विचार किसी का तो कर देंगे जी। विचार तो क्या है, कोई करोड़ रुपए देने वाले आ जाए तो भी बेच दूंगा आप तो। हाँ जी भाई, लाखों में बात करनी है तो भी बिक जाएगा। हाँ जी, और करोड़ों में बातें करनी है तो थोड़े व्हाट्सएप ग्रुपों में एक्टिव रहा करो। नहीं एक्टिव हम नहीं रहते हैं ज़्यादा। क्यों? बस एक्टिव रहा करो यार आप भी। गर्दन बहुत ही प्यारी है घोड़े की यार, नाग वाली जो गर्दन होती है ना। क्यों जी भाई साहब? व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करो आप। बहुत कम रहता हूँ जी, टाइम नहीं नहीं रहा करो। पास करोड़ों रुपये तो वहीं मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, पता नहीं है जी। व्हाट्सएप ग्रुप हो गए और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी किया करो। नहीं नहीं नहीं, हमारा तो बस सिर्फ ब्रीडिंग का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोवर्सी वही करता है तो सेल परचेज के काम करते हैं। सही बात है, कंट्रोवर्सी करने वाले बहुत बैठे हैं। हाँ बहुत बैठे हैं, फालतू लोग हैं वो। इनके घर में घोड़े भी नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं कह सकते जी फालतू लोग हैं। नहीं क्यों नहीं कह सकते यार, मैं कह सकता हूँ ना। हाँ आप कह सकते हो। हाँ फालतू कंट्रोवर्सी वही लोग करते हैं जिनके घर में घोड़े नहीं रहते, जिनके पास काम नहीं रहता। चलो जो भी है अच्छा है। हट, चलो ठीक है भाई साहब, ले घोड़ी। चल, इसकी माँ की डिटेल नहीं बताई आपने। इसकी माँ उदयपुर पैलेस लाइन की है जी। उदयपुर पैलेस लाइन का तो। हाँ। माँ की तरफ से तो पैलेस लाइन हो गया ये। हाँ माँ की तरफ से पैलेस लाइन हो गया, पैलेस लाइन का खून हो गया ना इसमें। हाँ जी माँ की तरफ से, तो माँ की तरफ से। और इसके सूम भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बहुत अच्छे है जी। मतलब जो चौड़े सूम बोला जाता है ना, घोड़ों के सूम मोटे होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी, वो वाले सूम है इसके। बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे सूम, जैसे वो प्रभात जो घोड़ा है राजस्थान वाला, उसके सूम बहुत मोटे मोटे हैं। हाँ बहुत बढ़िया जी, और वो देवली लाइन में आते ही है। ठीक है चलो।